अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया और पुदीने की चटपटरी सी चटनी। ये देखें, जिसके लिए मैंने धनिया काट के मोटे पीसों में रखा है। इसको ब्रीक काटने की ज़रूरत नहीं, हमने मोटे पीसों में इसको साफ करके अच्छे से काट लिया। साथ में मेरे पास है फ्रीज़ किया हुआ पुदीना था, जिसको मैंने धो के रख लिया। साथ में थोड़ा सा अदरक, दो तीन जवे लिए हमने लहसुन के, और साथ में लिए हमने हरी मिर्चें, और साथ में एक चम्मच हम यूज़ करेंगे सिरका। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं एक ढक्कन सिरके का, और साथ में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको ग्राइंड करने के लिए साथ में थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। ये बस इतना सा हमने पानी यूज़ करना है। अब इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये देखें, ये देखें हमारी चटनी अच्छे से बन चुकी है। अगर आपके पास या ग्राइंडर है तो आप उसमें कर सकते हैं। मैंने हैंड ग्राइंडर से अच्छी तरह से इसको कर लिया ब्लेंड। अब इसको मैं आपको मिक्स करके दिखा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी चटनी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा टेस्ट के लिए नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आपके पास काला नमक तो आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चटपटी सी चटनी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसको हम दही में शामिल करके बताएंगे। ये देखिए, इसको हम इतना दही में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाहे आप तिक्कों के साथ इस्तेमाल करें, चाहे रोस्ट के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की चटनी बनी है। बनाएं, एंजॉय करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। ओके जी, ये देखें जी, चटनी हमारी हो गई तैयार। माशाल्लाह से एंजॉय करें, बनाएं और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। ये सिंपल इस्तेमाल करने के लिए, और ये रोस्ट या तिक्को वगैरह के साथ इस्तेमाल करने के लिए, जैसे चाहे बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, थैंक यू, खुदा।